हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं जो कंप्यूटर और प्रिंटर लेके आया था उसको मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। उसको मैं सेटअप करूँगा और उसको यहीं पे चेक करूँगा। तो मैंने नीरज को फ़ोन किया था तो उसने बोला कि फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए वहीं पे रखो। तो कुछ दिनों के लिए यहीं पे रहेगा सब कुछ और उसके बाद यहाँ से वो चला जाएगा जो भी कंप्यूटर और प्रिंटर है। तो मैं उसको अभी सेटअप करने वाला हूँ, उसको चेक करूँगा और चलो चलते हैं अनबॉक्सिंग करते हैं। उसको अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कोई छूटा उटा तो नहीं है अंदर में, जो पैक करके मैंने डाला ऑटो में और लेके आ गया। तो देखते हैं, यहीं पे सेटअप करेंगे, यहीं पे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, यहीं पे लगाएंगे और यहीं पे चेक करेंगे कि सही से प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है। वहाँ पे तो सब कुछ चेक किया मैं, फिर भी यहाँ पे कुछ दिनों तक रहेगा, मतलब जो भी है 10 दिन 20 दिन जो भी रहेगा, 1 महीना। तो प्रिंटर का तो अनबॉक्सिंग नहीं करूँगा क्योंकि उसका मैं कल या परसों करूँगा। ये है देखो, ये रहा प्रिंटर और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर वाईफाई वगैरह है और ये अपना मॉनिटर है और इधर मदरबोर्ड है और इधर ये मदरबोर्ड है, कीबोर्ड है और ये है अपना डेस्कटॉप। सो इसको अनबॉक्सिंग चालू करते हैं, इधर ही लगाएंगे यहाँ पे और यहीं पे सेटअप करेंगे इसको। सो इसके ऊपर नहीं रखूँगा, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो गद्दा पड़ा हुआ है जिस पे कोई सोता नहीं है तो इसको मैं लगा दूँगा इधर और इसको लगा के इसी के ऊपर सेटअप लगा दूँगा। सो इसको जो है मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पे और इस पर कोई सोता नहीं है एक्चुअली, तो इसी के ऊपर लगाएंगे ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इस पर गिरेगा भी नहीं और अगर गिरता भी है तो कुछ डैमेज नहीं होगा। सो इस हिसाब से इसको यहीं पे सेटअप लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो इसको यहाँ रखता हूँ प्रिंटर को, ये प्रिंटर है कैनन का और ये है अपना सेटअप। सो इसको शुरू करते हैं, चलते हैं। पहले तो इसको खोलना पड़ेगा, चाकू लाना पड़ेगा और चाकू लाके इसको खोलते हैं। खुलने वाला तो नहीं है ये, चाकू से काटना ही पड़ेगा। चलो काटते हैं चाकू से। सो चाकू से इसको काट देते हैं। इसको यहीं रखते हैं, इसका ज़रूरत पड़ सकता है चाकू का और अपने का ज़रूरत पड़ेगा एक बोर्ड का। जो सॉकेट है वो यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ तक ये पहुँचने वाला नहीं है जो इसके अंदर है, तो मुझे एक एक्सटेंशन बोर्ड का इंतजाम करना पड़ेगा। वो एक एक्सटेंशन बोर्ड मिला हमको, इतना गंदा है पूछो ही मत। यहाँ पर लगाते हैं इसको, ये लग गया, थोड़ा बहुत सफाई कर दिया है मैंने। बाद में देखेंगे कोई नया बोर्ड मिलेगा अच्छा सा तो एक्सटेंशन बोर्ड लेना पड़ेगा, फिलहाल इसी से काम चलाते हैं क्योंकि ये पुराना है बट चेक तो हो जाएगा कम से कम चल रहा है नहीं चल रहा है, सब कुछ ओके है या नहीं है। सो चलो इसको ओपन करते हैं और शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। सो गाइस चलो शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग इसका और एक एक करके मैं खोलता हूँ। सो सबसे पहले मैं जो खोलने वाला हूँ इसको खोलने वाला हूँ। इसको खोलते हैं पहले। ये है मदरबोर्ड सीपीयू और ये है अपना मॉनिटर और इधर है हमारा कीबोर्ड। तो माउस शायद इसी के अंदर है या इसके अंदर है पता नहीं मुझे, तो माउस होगा और ये अपना प्रिंटर है।
सो गाइस ये था अनबॉक्सिंग, और मैंने अनबॉक्सिंग कर दिया, सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ सही चल रहा है, और जो भी था मैंने सब कुछ सही से लगा दिया है केबल वगैरह। और ये जो प्रिंटर है, प्रिंटर का मैं अनबॉक्सिंग आज नहीं किया हूँ क्योंकि इसके लिए एक सर्विस सेंटर से बंदा आने वाला है, वही इसका जो कार्ट्रिज वगैरह होता है वो लगाएगा। कब से लग नहीं पाता है, उन्होंने बोला कि सजेस्ट किया कि आप फोन लगाओ, उनको ही बुला लो तो वो लोग भेज देंगे। सो फिलहाल के लिए मैंने कंप्यूटर सेटअप कर लिया है और चल रहा है, कोई इशू नहीं है, अभी चल रहा है। सो गाइस मेरा जो अनबॉक्सिंग है वो ख़त्म हो गया है और सब कुछ मैंने सेटअप कर दिया है। सो जो मेरा कंप्यूटर है बराबर चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं हुई, थोड़ा केबल लगाने में इधर उधर हुआ था बट बाद में ठीक हो गया। सो अभी चल रहा है, कोई इशू नहीं है। और सो मैंने ट्राई कर लिया है, ओके है कि नहीं ओके है, सब कुछ सही है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ये था आज का अनबॉक्सिंग कंप्यूटर, और प्रिंटर आज नहीं हुआ वो, तो उसके लिए दूसरे दिन हुआ, क्योंकि प्रिंटर का मैं सोचा करने के लिए बट नहीं किया, क्योंकि उसमें कुछ थोड़ा बहुत जो कार्ट्रिज होते हैं वो लगाने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो कुछ गड़बड़ होगा तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा। इसके लिए सर्विस सेंटर वाले आएंगे, कैनन वाले, वही लगा के जाएंगे। तो देखते हैं कब आते हैं, कल या परसों या दो दिन के बाद, जब ही आएंगे वो लगा के जाएंगे। तो इसलिए मैंने उसको छेड़छाड़ नहीं किया है, वो बिल्कुल ही पैक है। सो ये मैंने कर दिया है और इसको मैं बाद में यूज करूँगा, टाइम मिलेगा जब। तो सो ठीक है, चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।